2022-23 so, पर मैंने कुछ revision questions बनाई हूँ जो कि बच्चों को revision करना बहुत जरूरी है क्योंकि ताकि आपको पता चले आपके बच्चा कहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है और नहीं सो so, आप इसको रिविजन करा सकते हैं सो so, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हूँ और पूरा सिलेबस का क्वेश्चन देना पॉसिबल नहीं है सो so, मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगी ठीक है सो तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में क्या है देन क्वेश्चन नंबर राइट टू रिलेटेड वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स यहाँ पर कुछ लेटर्स uh, दिया गया है जो बच्चों को टू टू वर्ड्स लिखना है जैसे जी फॉर ग्रेप्स uh, जी फॉर गोट के फॉर काइट के फॉर किंग ऐसे ही क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है देन क्वेश्चन नंबर टू राइट द नेम ऑफ द पिक्चर्स यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिया गया है जिसको बच्चों का इसका नेम लिखना है दिस इज हॉट टैप बीव लॉग एंड टेन ये जो पिक्चर है पिक्चर को रिकोगनाइज करना है और इसका नेम लिखना है देन क्वेश्चन नंबर थ्री पुट ए और आन इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिया गया है जिसको बच्चों को यहाँ पर ए और आन पुट करना है सो ये ऑलरेडी पता है जो कि बिफोर पर आन पुट करना है और कंसोनेंट बिफोर ए पुट करना है सो दिस इज बैग बैग का फर्स्ट लेटर बी है सो बी इज ए कंसोनेंट सो यहाँ पर ए होगा देन आंट आंट इज ए वावेल सो यहाँ पर आन होगा देन ड्रम ड्रम का फर्स्ट लेटर है डी सो डी इज ए कॉन्सोनेंट यहाँ पर ए होगा ए ड्रम एन एलिफेंट ए नेट एन इग्लू ग्लू एन ऑरेंज ए गोट ऐसे ही बच्चों को ए और एर ऑन करना है देन क्वेश्चन नंबर फोर राइट द रूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिया गया है जिसको बच्चों को इसका प्रूरल फॉर्म में लिखना है क्योंकि यूके जी में सिंगुलर और प्रुरल पढ़ाया जाता है सो तो ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है वन बैट मनी वर्ड्स वन पेन मैनी पेंस वन डोल मैनी डोल्स वन स्टार मैनी स्टार्स वन जॉग मैनी जॉक्स वन बॉय मैनी बॉयज वन काइट मैनी काइट्स वन वर्ड मैनी वर्ड्स और आप अगर चाहे तो और भी क्वेश्चन बहुत सारा वर्ड्स बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं देन क्वेश्चन नंबर फाइव सी द पिक्चर्स एंड पुट द प्रॉपर वर्ड्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने ब्लैंक्स में दी हूँ और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हूँ जिसको पिक्चर को देखना है एंड प्रॉपर वर्ड पुट करना है ओके इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड नियर फार अवे फ्रॉम ऑन एंड अंडर सो बच्चों को पहले ये जो वर्ड्स है ये वर्ड्स का मीनिंग जानना है देन पिक्चर को रिकोगनाइज करना है और ये जो ब्लांक्स में आंसर लिखना है ठीक है द कैट इज डैश द टेबल कैट टेबल के ऊपर है सो ऑन द टेबल द बॉल इज डैश द टेबुल बॉल टेबल के नीचे है सो ऑंडर द टेबल द कैट इज डैस्ट द ट्री कैट ट्री के पीछे है सो द कैट इज बिहाइंड द ट्री देन द बॉल इज ड्री बॉल ट्री के पास है सो द बॉल इज नियर दैन द कार इज ड्री कार फ्रंट में खड़ा है इन फ्रंट ऑफ है So, यहां पर लिखना है द बुक the the है के अंदर है सो द पेंसिल इज इन बॉक्स सी पिक्चर्स एंड राइट द इज यूजिंग दिस एंड डैट सो यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है पिक्चर को रिकोगनाइज करना है देन सेंटेंसेस लिखना है यूजिंग दिस और दैट सो यहाँ पर जो पिक्चर्स uh, है जो पास में है वहाँ पर दिस यूज़ करना है एंड जो दूर है वहाँ दैट यूज करना है तो सो दिस इज ए कॉफ यहाँ पर बच्चों को लिखना है दिस इज ए कफ ये बॉल दूर है सो दैट इज ए बॉल दैट इज ए काइट ये पेन पास में है सो so दिस Is a pen. ये अम्ब्रेला दूर है सो दैट इज एन अम्ब्रेला सो ऐसे ही बच्चों को लिखना है देन क्वेश्चन नंबर सेवन राइट फाइव एक्शन वर्ड सो यूकेज में बच्चों को एक्शन वर्ड सिखाया जाता है सो so यहाँ पर मैंने फाइव एक्शन वर्ड्स लिखने के लिए दी हूँ जैसे कि प्लेइंग डिंकिंग जम्पिंग रीडिंग स्लिपिंग एटिंग ये जो वर्ड्स इस टाइप का होता है वो एक्शन वर्ड्स होता है सो so यहाँ पर फाइव एक्शन वर्ड्स लिखना है आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करे कमेंट करे शेयर करे अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएव ए गुड डे बाय बाय टेक केयर